भारत में अनेकों शिव मंदिर ऐसे हैं जहां नित्य चमत्कार होते देखे जाते हैं। भारत में एक ऐसा भी मंदिर है जिसने उत्तर प्रदेश सरकार को भी विस्मय में डाल दिया है। यहां भगवान शिव साक्षात विराजमान हैं। यहां आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि किसी किसी को यहां भगवान शिव के साक्षात दर्शन भी हो जाते हैं। आइए जानते हैं इस चमत्कारी मंदिर के बारे में। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू टीवी चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार अवश्य लिखें हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे स्थित नागेश्वर मंदिर। इस मंदिर की जानकारी बहुत कम लोगों को है। एक समय यहां पर घना जंगल हुआ करता था। वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने लखनऊ से आगरा तक 30 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे बनाने का निर्णय लिया। यह उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था क्योंकि यह एक्सप्रेसवे उनके गृह जिले इटावा से लखनऊ से आगरा तक बिल्कुल सीधा बनाया जाना था। इसी आधार पर सर्वे किया गया। सर्वे दल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि लखनऊ से आगरा के बीच में एक गांव तथा दो मंदिर हैं। एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य शुरू हुआ। मंदिर तथा माटीपुर नामक गांव को दूसरी जगह शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया। माटीपुर गांव तथा मेहंदी नगर का हनुमान मंदिर भी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। परंतु जब नागेश्वर शिव मंदिर को दूसरी जगह शिफ्ट करने की बारी आई तो शासन प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। मंदिर हटाने के साथ कुछ ऐसा हुआ कि सभी हक्के बक्के रह गए। दरअसल हुआ यह है कि नागेश्वर मंदिर को दूसरे मंदिर में शिफ्ट करने के लिए नियुक्त मजदूरों ने जैसे ही शिवलिंग की खुदाई शुरू की तो उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वे सभी बीमार पड़ने लगे तो सभी ने किसी न किसी बहाने खुदाई करने से मना कर दिया। तब यह निर्णय लिया गया कि जेसीबी द्वारा शिवलिंग उखाड़ कर नए मंदिर तक पहुंचा दिया जाएगा। परंतु जेसीबी यहां तक पहुंचते ही खराब हो गई। उसके बाद दूसरी जेसीबी आई, वो भी खराब हो गई। कहा जाता है कि एक एक कर चार जेसीबी आई लेकिन खराब हो जाने के कारण शिवलिंग को उखाड़ नहीं सकी और इसी तरह शाम हो गई। मजदूर व जेसीबी वाले दूसरे मजहब से थे क्योंकि कोई हिंदू इस कार्य को करने के लिए तैयार नहीं था। शाम को एक और जेसीबी बुलाई गई। काम शुरू करने से पहले जेसीबी ड्राइवर तथा सहायक चाय नाश्ता करने गए। जब वे खा पीकर कार्य करने के लिए जेसीबी की ओर बढ़े तो जेसीबी को देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि जेसीबी के ऊपर तथा उसके आसपास हजारों की संख्या में कोबरा नाग फन उठाकर फुफकार रहे थे। यह नजारा देखकर वे सब इतना डर गए कि जेसीबी छोड़कर जान बचाकर भागे। बाद में पता चला कि वे सब भी बीमार पड़ गए। उस समय प्रोजेक्ट में काम कर रहे तमाम यूपी के बड़े अधिकारी शासन प्रशासन के साथ सरकार तक ने यह निर्णय लिया कि अब शिव मंदिर नहीं हटाया जाएगा और यहां पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार करके मंदिर के दोनों ओर सर्विस लाइन बना दिया जाएगा। तब उसी स्थान पर मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और मंदिर के दोनों ओर सर्विस लाइन बनाई गई है। नागेश्वर बाबा के मंदिर में प्रत्येक सोमवार को श्रद्धालुओं की भीड़ लग जाती है। इस मंदिर की प्रसिद्धि अब दूर दूर तक फैल गई है। यदि आप भी कभी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से होकर गुजरे तो यहाँ नागेश्वर बाबा के दर्शन अवश्य करें। मित्रों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक एक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।